डॉक्टर अंबेडकर के 65वें पुण्यतिथि पर आज बिहार की राजधानी पटना में बहुजन समाज पार्टी के कई गणमान्य नेता जुटे और डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मुन्ना कुशवाहा के अलावा पार्टी के एकमात्र विधायक जमा खान और हाल ही में राज्यसभा गए पार्टी के प्रमुख प्रदेश प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी से जुड़े बड़े पदाधिकारी। चौदह दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन यहाँ पे किया गया है। साथ ही हमारे बिहार के जो मुख्य प्रभारी हैं और कई स्टेट के भी हैं और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के माननीय रामजी गौतम सर, तो राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए हैं शपथ ग्रहण के बाद पहली बार बिहार की धरती पर पधार रहे हैं, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया। हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी इच्छा थी, हमारे बीच में सबका सम्मान किया गया और हमारे जो विधायक भाई मोहम्मद जमा खान साहब चुनके गए हैं विधानसभा में, उनका भी हम लोगों ने स्वागत समारोह यहाँ पर रखा है। और काफ़ी दिन हो गए थे, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं रिजल्ट तो उम्मीद के अनुसार पूरा नहीं आया, लेकिन बहुत उत्साह है। रिजल्ट जो भी आया है हम लोग सारे जनता के साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता थे हमारे पदाधिकारी थे सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। और ये हम इस अवसर पे ये कहना चाहेंगे, सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब की बदौलत ही हमें जो मिला है यहाँ पे मिला है और हमें तनिक भी धीरे नहीं पड़ना है। अगर बाबा साहब जो सोचते थे करने की उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें नित दिन लग जाना है, नई ऊर्जा के साथ लगना है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आज नहीं तो कल जरूर सफल होंगे। निर्माण दिवस के मौके पे आपका यहाँ स्वागत समारोह भी रखा गया था, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, मेरे प्रभारी साहब मौजूद थे, हमारे सब सांसद गार्जियन भी मौजूद थे, मेरे तमाम सिपाही मौजूद थे पार्टी के, मुझे अच्छा लगा। तो इस मौके पे आप संवाद देना चाहेंगे? संवाद दे दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को बिहार मजबूत करूंगा, बहुजन समाज पार्टी के जो गरीब हमारे दलित हैं किसी भी समाज के हैं उनकी मैं राय रहूंगा, बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व में राय उनको दम करूँगा। देखिए आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज हमारे पूरे स्टेट के जो वर्कर्स थे आए हुए हैं, वो ये मैसेज दिया गया है कि आज बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हमें अगले कदम उठाने हैं। 2024 में हमारे बहन देश की गति तक लेकर जाए और बाबा साहब के सपनों को पूरा करें, उसके लिए प्लानिंग करनी है, इसलिए उनको इसलिए बुलाया गया था कि चुनाव अभी खत्म हुआ है और चुनाव में हमें उम्मीद के मुताबिक यह नहीं मिला किन्हीं कारणों बस, उन कारणों का हमने निरीक्षण किया हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सपनों को पूरा करें।